वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के धनुषकोडी के कोंठड़ाराम स्वामी मंदिर में की पूजा, अरिचन मोनाई का भी किया दौरा। यहीं से शुरू हुई थी राम सेतु की तामीर। अयोध्या में रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब की तैयारियां जोरों पर। काशी के डोम राजा समेत 15 लोग होंगे प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के यजमान। कल मुनाकिद होने वाली शानदार तकरीब को देखने के लिए मुल्क और बैरूनी मुल्क से मधु मेहमान पहुंच रहे हैं रामनगरी। कोठल धाम टेम्पल ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की भूमि पूजन के मौके पर वजीर आजम का वीडियो पैगाम। पीएम ने कहा कि गुजरात ने सेहत के शोबे में अच्छी कारकर्दगी का मॉडल किया पेश। खिदमत के जज्बे से बनाई अस्पताल है बेहतरीन मिसाल। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर। रायपुर में बाएं बाजू के इंतहा पसंदी से मुतालिक एक जायजा मीटिंग की सदारत की। छत्तीसगढ़ कानून साज असेंबली के 9 मुंतखब एमएलएस के प्रबोधन प्रोग्राम से भी करेंगे खिताब। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मेंस डबल्स का फाइनल आज। जनूबी कोरिया की जोड़ी से होगा भारतीय जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज का मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु में रामेश्वरम से बहुत दूर जुनूब में वाकई आरिचल मनाई का दौरा किया और फूल चढ़ाए। उन्होंने वहां मुराकबा भी किया। ऐसा माना जाता है कि राम सेतु की तामीर यहां से शुरू हुई थी। इसके अलावा वजीर आजम मोदी ने धनुषकोडी में कोंठड़ा राम स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा की। ये मंदिर श्री कोंठड़ा राम स्वामी को वक्फ है। कोंठड़ा राम नाम का मानी कमान वाला राम है। कहा जाता है कि यहीं पर विभीषण ने पहली बार श्री राम से मुलाकात की और उनसे पनाह मांगी। ये भी कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां श्री राम ने विभीषण की ताजपोशी की थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खोडल धाम टेम्पल ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की भूमि पूजन के मौके पर वीडियो पैगाम के जरिए अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि खोडल धाम की मुकद्दस सरजमी और अकीदतमंदों से जुड़ना उनके लिए बड़े एहसास की बात है। श्री खोडल धाम ट्रस्ट ने अवामी बहबूद के लिए कदम आगे बढ़ाया है। अमरेली में कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर का काम आज से शुरू होगा। वजीर आजम ने अपने पैगाम में कहा कि गुजरात ने सेहत के शोबे में बेहतरी का मॉडल पेश किया है। गुजरात ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े सुधार का मॉडल पेश किया है। यहाँ गांव गांव में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स खोले गए। आदिवासी और गरीब इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई गई। गुजरात में
108 एम्बुलेंस की सुविधा पर लोगों का भरोसा लगातार मजबूती हुआ है। अयोध्या में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब को तारीखी बनाने के लिए तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में हैं। काशी के डोमरा समेत 15 अफराद प्राण प्रतिष्ठा की रस्म की मेजबान होंगे। अयोध्या में मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। भारत और बैरूनी ममालिक से मधु मेहमान पीर को मुनक्किद होने वाले शानदार तकरीब का मुशाहिदा करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामनगरी में तकरीब के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के पेश नज़र रामलला के दर्शन के इंतजाम बंद हैं। रियासती महकमा सियाहत के अदद शुमार के मुताबिक साल 2017 तक अयोध्या में हर साल 2 लाख अकीदतमंद आते थे, अब उनकी तादाद बढ़कर 2 करोड़ हो गई है। भारत के लिए 22 जनवरी एक बहुत ही मुबारक और जज्बाती दिन होने वाला है, क्योंकि इस दिन अयोध्या के राम मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इससे पहले 5 दिन तक वैदिक रसूमात अदा की गईं। ट्रस्ट ने कहा कि इतवार के रोज मूर्ति को 114 कलशों से मुख्तलिफ दवाओं के पानी से गुस्ल दिया जाएगा। भगवान श्री राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 7 रोजा रसूमात अदा की जा रही हैं। इसी सिलसिले में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से 2 दिन कबल यानी 20 जनवरी को पुष्पाधिवास और शर्काधिवास और फलाधिवास किए गए, और पुष्पाधिवास शकराधिवास और फलाधिवास के दिन रवि योग की तामीर हो रही है। नए तामीर शुदा अजीमुशान मंदिर समेत पूरे अयोध्या धाम को सजाया जा रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर अकीदत से भरे प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि का शानदार वादन होगा। मुख्तलिफ रियासतों से 50 से ज्यादा दिल फरेब मौसीकी के आलात तकरीबन 2 घंटे तक इस शानदार तकरीब का मुशाहिदा करेंगे। अयोध्या के जितेंद्र मिश्रा इस अजीमुशान मंगलवान के डिजाइनर और मुनज्जम हैं, जिसमें केंद्रीय संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली ने ताउन किया है। इससे पहले 20 जनवरी 2024 को रोजाना पूजा हवन वगैरह किया जाता रहा। चीनी और फलों के साथ रसूमात भी अदा की गईं। मंदिर के सहन में 81 कलश नस्ब करके पूजा की गई। पूजा और आरती भी शाम को हुई। आपको बता दें कि जुमे को मैसूर के मशहूर मुजस्समा साज अरुण योगी राज के जरिए बनाए गए श्री राम लला की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह के अंदर रखा गया था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से मुताल्लिक पूजा के 5वें दिन रामलला की नई मूर्ति और चांदी की मूर्ति को 110 किलो फलों और फूलों से पाक किया गया। गर्भगृह में भगवान के दोनों मुजस्समों को फलों और फूलों से ढका गया। तकरीबन 60 किलो के फूलों की माला में कमल, गुलाब, चूही और सेवंती के फूल शामिल थे। कमल के फूल बिहार से, सेवंती तमिलनाडु से और जूही कोलकाता से मंगवाए गए। 50 किलो फलों से फलाधिवेश में संतरा, केला, सेब, अनार और अमरूद शामिल थे। मंदिर को 81 कलशों के पानी से पाक किया गया। कलश में दवाएं, तीर्थों का पानी, दरख्त के पत्ते, 5 रत्न और 9 रत्न थे। इस दौरान पूरी रामनगरी रोशनियों से जगमगा रही है। हर तरफ धुन बजाई जा रही है राम की। हफ्ते को 121 पुजारियों और आचार्यों ने वास्तु पूजा में हिस्सा लिया। सुबह के वक्त भगवान की चांदी की मूर्ति का जुलूस निकाला गया। पंडित अनिल दीक्षित के मुताबिक हर अधिवास के बाद भगवान को आहते मिलाया जाता है। 4 अधिवास के बाद हफ्ते को 4 बार परिक्रमा की गई। जुमे को नवग्रह हवन किया गया। हफ्ते को भगवान राम के मंत्रों के साथ हवन किया गया। हर तालाब में 1008 नजराने पेश किए गए। मंदिर में रामायण और वेदों के पाठ किए गए। रोजाना 8 घंटे पाठ हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की मरकजी तकरीब पीर को मुनक्किद होगी। काशी के डोम राजा समेत मुख्तलिफ तबकात की 15 मेजबान बीवियां प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेंगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस बात का ख्याल रखा है कि राम के दरबार में मशरक, मगरिब, शुमाल और जुनूब से समाज के हर तबके की नुमाइंदगी हो।
ट्रस्ट के मुताबिक उदयपुर से वनवासी कल्याण आश्रम के सदर रामचंद्र खराड़ी, आसाम से रामकोई जैमी, जयपुर से गुरुचरण सिंह गिल, हरदोई से कृष्ण मोहन और मुल्तानी से रमेश जैन, तमिलनाडु से अजला रासन, मुंबई से विठल राव कांबले और घुमंतू समाज के ट्रस्टी महादेव गायकवाड़ और रिचरबा से श्री रवासु, कर्नाटक से गुलबर्गी, लखनऊ से दिलीप वाल्मीकि, वाराणसी से अनिल चौधरी डोमराज, कैलाश यादव, कविंद्र प्रताप सिंह और पलवल हरियाणा के अरुण चौधरी रस्म की मेजबान होंगे। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में हैं। इसी सिलसिले में अकीदतमंदों ने अयोध्या में रामलला विराजमान की परिक्रमा की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में की जाएगी। ऐसे में राम मंदिर की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस दौरान राम मंदिर को रोशनियों से सजाया गया है। ये रात को राम मंदिर की शानदार सजावट का मंजर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें ये और भी शानदार नजर आ रहा है। राम मंदिर निर्माण कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर के अलावा ये 7 और मंदिर भी मंदिर के अहाते में बनाए जा रहे हैं, जो समाजी हम आहंगी की अलामत होंगे। आज प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले का दिवस है और हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी व्यवस्थाएं देखनी है, विशेष रूप से मंदिर के निर्माण कार्य में अंतिम जो दिन है वो इस प्रकार सुनिश्चित करना है कि सभी जो राष्ट्र को आश्वासन दिया गया था उसकी पूर्ति हो सके। 23 तारीख से एक नए उत्साह, एक नए कमिटमेंट, वचनबद्धता के साथ हम कार्य शुरुआत करेंगे, वो कि 2024 में पूरा मंदिर निर्मित हो सके, मंदिर के साथ परकोटा निर्मित हो सके और 7 मंदिर जो बनने हैं, जो हमारे सामाजिक समरसता के प्रतीक होंगे, वो भी पूर्ण हो सके। जो लोग बोल नहीं सकते वो अपने जज्बात का इजहार कैसे कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिशात राम के दरबार में भी पहुंचाई जाएंगी। गुजरात का ट्रस्ट ये अनोखा काम कर रहा है, देखें ये खसूसी रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश के अलग अलग हिस्से से लोग आ रहे हैं और गुजरात से एक ग्रुप आया है और जिन्होंने यहाँ पर आप देखें कि एक बोर्ड लगाया है जिसमें ये लिखा हुआ है श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस अवसर पर अपनी भावनाएं यहाँ पर लोग हैं वो लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बोल नहीं सकते या बता नहीं सकते, तो उनके लिए ये सुविधा शुरू की गई है कि वो अपनी भावनाओं को यहाँ पर लिखकर व्यक्त कर सकते हैं और उसके बाद जिन लोगों ने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करी होंगी उन सभी भावनाओं को ये ग्रुप कोशिश करेगा कि जो राम मंदिर है वहाँ पर पहुँचाया जाए, भगवान राम के चरणों में ये जो भावनाएं हैं वो पहुँचाई जाए। हमारे साथ गुजरात के भावनगर से ही पहुँचे हैं लोग, ये क्या इसका उद्देश्य क्या था? सर, ये हमारी यात्रा धाम टीम जो है भावनगर से, उनका संकल्प ये था कि जो लोग अपनी भावनाएं प्रदर्शित नहीं कर सकते, मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, तो यात्राधाम की टीम के माध्यम से हम सबके, ये छोटा बच्चा भी यहाँ पे लिखता है और बड़ा बुजुर्ग भी यहाँ पे लिखता है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, बांग्ला, काफी भाषाओं में आप यहाँ पे मैसेज देख सकते हैं। तो सभी भाषाओं के साथ राम नाम एक ही है, तो सबकी भाषा में एक नाम करके हम मंदिर तक ये मैसेज सबके पहुंचाना चाहते हैं। हमारे पास सर अब तक ये 400 से 500 इतने चीट्स हो चुके हैं, तो ये सबको हम लेमिनेट एक फ्रेमिंग में करके, यात्रा धाम टीम का संकल्प है कि मंदिर तक हम पहुंचाएं। सर,
तो ये एक कह सकते हैं एक बड़ा प्रयास है। और आप यहाँ पर देखें कि जो लोग हैं उन्होंने अपने मैसेज भी लिखे हैं, ये देखें कोई रामेश्वर इन्होंने मैसेज लिखा है, मुझे सब मिल गया श्री राम राम। और इन लोगों का ये मानना है कि इन तमाम लोगों की भावनाओं को मंदिर में पहुंचाया जाएगा लेमिनेट करके, ताकि भगवान श्री राम के चरणों में इन भावनाओं को पहुंचाया जा सके। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। अयोध्या में सरयू के घाट पहले के मुकाबले बहुत खूबसूरत हो गए हैं और शायद यही वजह है कि मजहबी सियाहत पर यकीन रखने वाले लोग सरयू के किनारे जाकर डुबकी लगाना नहीं भूलते। उनके इस आस्था को मद्देनजर रखते हुए कश्ती पर एक बहुत बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जिस पर अकीदतमंद सरयू के किनारे बैठकर मंदिर के इफ्तिताह से मुतालिक तस्वीर देख सकेंगे। हम अयोध्या के सरयू तट पर अभी खड़े हैं और ये जो भव्य नजारा आप हमारे ठीक पीछे देख रहे हैं, जहां पर सरयू में पहले हम कह सकते हैं कि ये खूबसूरती या भव्यता बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती थी, आप देखेंगे कि घाटों की साफ सफाई, श्रद्धालुओं का पहुंचना, नावों का खूबसूरत हो जाना, बोटिंग के लिए धार्मिक पर्यटन में आस्था रखने वाले लोग जो हैं उनके वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर पहुंचना, और पानी जो है सरयू में लबालब भरा होना, या कहीं ना कहीं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम हम कह सकते हैं। अयोध्या नगरी जो एक धार्मिक नगरी है, जहां पर भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी अयोध्या सज-धज कर तैयार हो रही है, दिवाली जैसा उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं सरयू किनारे भी कई विहंगम दृश्य जो है बखूबी देखे जा सकते हैं। और ये आप ठीक सरयू के बीचों बीच बोटिंग का नजारा भी आप देख सकते हैं, और नाव पर जो एक एलईडी स्क्रीन लगाया गया है बहुत बड़ा, उसमें कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा की जो तस्वीर जो है वो सीधा प्रसारण जो दूरदर्शन करेगा, डीडी न्यूज करेगा, उन तस्वीरों को जो धार्मिक पर्यटन में आस्था रखने वाले लोग हैं जो सरयू किनारे यहाँ पहुंचेंगे, वो कहीं ना कहीं इस पर एलईडी पर उन तस्वीरों को बखूबी देख सकेंगे, जो कहीं ना कहीं जिन लोगों को मंदिर तक पहुंचने में दिक्कत होगी या कई तरह के सुरक्षा इंतजाम के बीच जो लोग नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए एक हम बड़ा ही अनुपम और अनोखा उपहार कह सकते हैं कि वो सरयू तीरे बैठकर प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरों को एलईडी पर बखूबी देख सकेंगे। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ अयोध्या से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के दरमियान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने खलासी अजीमुशान राम मंदिर की झलक दिखाई है। इसरो ने ये तस्वीर अपने मुकामी सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए ली है। इंडियन रिमोट सेंसिंग सीरीज सैटेलाइट के जरिए ली गई इन तस्वीर में 2.7 एकड़ पर फैली राम जन्मभूमि स्थल को दिखाया जा सकता है। अयोध्या में जेर तामीर राम मंदिर की ये तस्वीर गुज़श्ता साल 16 दिसंबर को ली गई थी, लेकिन घने धुंध की वजह से तस्वीर में अजीमुशान राम मंदिर वाजे तौर पर नजर नहीं आ रहा था। इन सैटेलाइट तस्वीर में सरयू नदी और अयोध्या रेलवे स्टेशन को वाजे तौर पर देखा जा सकता है। अयोध्या को प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार करने के लिए मुख्तलिफ लोग सख्त मेहनत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सफाई कारकुन भी अयोध्या शहर को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे नामानिगार नीरज ने सफाई कारकुनों से खसूसी बातचीत की, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। साथ ये लोग काम कर रहे हैं और सुबह से ही इनकी जो दिनचर्या है वो शुरू होती है, और इस समय इन लोगों में जो उत्साह है वो भी गजब का देखने को मिल रहा है, क्योंकि भगवान राम आ रहे हैं और जो तमाम लोग देश दुनिया से आ रहे हैं उनके लिए ये साफ जो माहौल है रखते हैं, साफ सफाई करते हैं। सुबह कितने बजे से काम शुरू होता है आप लोगों का? 7 बजे से है। कैसा लग रहा है अभी आप लोगों को कि अब तो राम मंदिर बन गया है, भगवान राम भी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है।
राम मंदिर बन गए भाई, हमारे सब वही सेवा पानी करी थी। ये देखें कि और भी जो लोग हैं जो सुबह से ही यहाँ पर काम करने लगे रहते हैं, अभी कैसा भाव आता है आपके मन में जब तमाम लोग आते हैं देखते हैं और आप साफ सफाई? अच्छा लागत है, हाँ बहुत अच्छा लागत है काम करने में। यहाँ आराम भी है, कावट वगैरह होती है? नहीं नहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगता है काम करने में। हम लोग को अवसर मिला है काम करने का, इसी में बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश है काम करके। ये आपने देखा और इन लोगों ने कहा भी कि अभी तक किसी भी मीडिया ने हमको नहीं दिखाया, ना ही हमारे काम के बारे में चर्चा करी, लेकिन दूरदर्शन तमाम पहलुओं को दिखाएगा जो अयोध्या में अलग अलग तरीके से लोग सेवा कर रहे हैं। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। और अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुल्क में जोशो खरोश का माहौल है। उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों में इस दिन आम तातील का ऐलान किया गया। इसी सिलसिले में हिमाचल प्रदेश हुकूमत ने 22 जनवरी को रियासत में सरकारी तातील का ऐलान किया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर हिमाचल हुकूमत के तमाम दफातर में छुट्टी होगी। वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में तातील का ऐलान किया है और तमाम लोगों से घरों में दीप जलाने को भी कहा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मौके को देखने के लिए अकीदतमंद दूर दूर से आ रहे हैं। इस सिलसिले में नेपाल से भी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। हमारे नामानिगार शैलेंद्र ने नेपाल से अयोध्या पहुंचने वाले कुछ ऐसे ही लोगों से खुसूसी बातचीत की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। अयोध्या में न केवल देश भर के लोग आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, बल्कि पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि अयोध्या नेपाल से भी एक रिश्ता रहा है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर आप देखिए लोग नेपाल से आए हैं, बिहार में इनके साथ में लोग आए हुए हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका, आप नेपाल से आए हैं? हाँ, हम नेपाल से आए हैं, पहली बार आए हैं यहाँ का उत्सव देखने के लिए। हम लोग या हिंदू का जो धर्म है वह धर्म को निभाने के लिए जो अयोध्या जी में ऐसे ऐसे बात हुआ है, इसलिए हम लोग हिंदू सब तैयार होकर यहाँ देखने के लिए उत्सव। पहली बार आए, आप कैसी अयोध्या लग रही है? आप इस वक्त या किसाला में है? अयोध्या बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का व्यवहार भी बहुत सुंदर लग रहा है। देखते हैं हर आदमी जो हम लोग का सेवा में लगा हुआ है। अयोध्या आए, दर्शन किया, अब फिर आने का मन है? सुना था वैसी अयोध्या, क्या क्या बताइए? बहुत निक लागल छै, इतना देखे लिए आयल छियै अयोध्या भगवान के। अपनी भाषा में बता रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या आकर, और यहाँ दशरथ के पुत्र यानी भगवान राम की नगरी में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या में कल होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब को लेकर पूरी दुनिया पुरजोश है। मॉरिशस में भी सुलभ संस्कृत क्लास मॉरिशस की तरफ से राम ध्वज यात्रा का एहतमाम किया गया। 50 बच्चों ने अपने वालिदैन के साथ यात्रा में हिस्सा लिया। इस यात्रा की क्यादत सुलभ संस्कृत क्लास के बानी आचार्य पूरण तिवारी कर रहे थे। इस यात्रा के लिए भारत से खसूसी तौर पर राम झंडे मंगवाए गए थे। यात्रा के दौरान तलबा ने राम के नाम का संकर्तन और राम रक्षा अस्तित्व पढ़ा। यात्रा के दौरान बच्चों ने खुशी से जय श्री राम के नारे लगाए। अब अगली राम ध्वज यात्रा 22 जनवरी को मॉरिशस में दोबारा निकाली जाएगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इतवार को छत्तीसगढ़ असेंबली में दो रोजा प्रबोधन यानी रोशन ख्याली प्रोग्राम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान अमित शाह बाएं बाजू की इंतहा पसंदी पर एक जायजा इजलास की सदारत कर रहे हैं। ये इजलास असेंबली के कमेटी रूम में शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद ये पहली मीटिंग है। सीएम विष्णुदेव साई, डिप्टी सीएम अरुण साव, वजीर दाखिला विजय शर्मा और मरकजी मुस्लिह पुलिस फोर्सेस के आला अफसरान, सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल, बीसीएफ, आईटीबीपी, आईबी और छत्तीसगढ़ पुलिस के सीनियर अफसरान भी मीटिंग में मौजूद हैं। मीटिंग में बाएं बाजू के इंतहा पसंदी के खतरे से निपटने, नक्सल मुतासिरा इलाकों में तरक्की के लिए टेली कम्युनिकेशन, सड़कों, स्कूलों पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इससे पहले हफ्ते को नायब सदर जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रोशन ख्याली प्रोग्राम में हिस्सा लिया था।
और भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला आज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मर्दों के डबल्स फाइनल में चाई तापे के कांग मन ह्यूंग और सेव सांग जे के तीसरी सीड याफ्ता जोड़ी से होगा। वहीं इंडिया के स्टार शटलर एच एस प्रणॉय को इंडिया ओपन के सेमीफाइनल मैच में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। प्रणॉय को शी यूकी ने 21-15 21-5 के फर्क से शिकस्त दी। तो नाज़रीन खबरनामे में फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, आदाब।